और ये बिल्कुल सच भी है, क्योंकि जिस तरह का रिजल्ट गोल पिछले 25 सालों से देते आ रहा है वो बिल्कुल ही रिमार्केबल है। तो उन सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट के जो डिमांड था उसे ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इंजीनियरिंग विंग को स्टार्ट किया। तमाम पेरेंट्स और उन सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि मेडिकल की पढ़ाई बहुत सस्ती है। एक तरफ बहुत महंगी, आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज में कॉस्टली होता है, जिस तरह से मेडिकल के स्टूडेंट्स आज के डेट में टॉपर्स बन रहे हैं, उसी तरह से इंजीनियरिंग में भी हम लोग स्टूडेंट्स को टॉपर बनाकर यहाँ से निकालेंगे, ये उम्मीद है। एम्स जो कि पूरे इंडिया का टॉप मेडिकल कॉलेज है, उसका फी पूरे 5 साल का आप देखेंगे तो सिर्फ 6,000 फी लगता है। तो इस लेवल पर ट्रेनिंग देते हैं जो रिसेंट ट्रेंड ऑफ कंपटीशन पर बेस्ड हो, उसको उसी तरह की पढ़ाई दी जाती है जो कंपटीशन के लिए रिक्वायर्ड है, उस तरह का प्रैक्टिस दिया जाता है। दूसरे भी मेडिकल कॉलेजेस की अगर बात करें तो बिहार का किसी भी मेडिकल कॉलेज की अगर मैं बात करूँ फ़ी का, तो 16,000 to 20,000 का जो फ़ी है वो ईयरली फ़ी है। साइंस और आर्ट्स के बीच में बच्चे अमूमन फंस जाते हैं। 10वीं और 12वीं के जो परीक्षा के परिणाम हैं बिहार में आए हैं, और बच्चे अब जब नई तैयारी की ओर बढ़ रहे हैं तो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के बीच फंसे हुए। आज हमने एक टॉपिक उठाया है साइंस, और हम जानेंगे गोल इंस्टीट्यूट के जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं रंजय सर, उनसे कि साइंस में बच्चों को क्या जो ऑप्शंस हैं वो मिल सकते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर। परिणाम आ गए परीक्षा के, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। साइंस आज हमारा टॉपिक है, साइंस में बच्चों को क्या स्कोप मिल सकता है? साइंस में बहुत सारे स्कोप स्टूडेंट्स के लिए हैं, और ख़ास करके स्टूडेंट जो डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं या आगे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, या और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो स्टूडेंट्स को आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं। साइंस में अगर मैं बात करूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के ग्रुप वाले स्टूडेंट्स, पीसीबी ग्रुप वाले स्टूडेंट्स का, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये रहता है कि अगर पीसीबी मैं लूँ और एमबीबीएस अगर हमारा नहीं मिल पाया तो आगे क्या होगा, फिर हमारा करियर बहुत ही डार्क फेज में चला जाएगा। बट मैं आपके माध्यम से इन सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ग्रुप वाले स्टूडेंट के लिए सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं, बल्कि बहुत सारे दूसरे करियर ऑप्शंस भी हैं। जैसे कि स्टूडेंट जो एमबीबीएस में नहीं पहुंच पाए, वैसे स्टूडेंट बीडीएस कर सकते हैं, वेटनरी में जा सकते हैं, आयुर्वेद में जा सकते हैं, होम्योपैथ में जा सकते हैं। एग्रीकल्चर एक स्ट्रीम है जिसमें स्टूडेंट बहुत अच्छा करियर ऑप्शन बना सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, ऑप्थाल्मो असिस्टेंट बन सकते हैं, ओटी असिस्टेंट बन सकते हैं, नर्सिंग में जा सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। इस तरह के एक नहीं, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को नहीं पता है, जिसके कारण स्टूडेंट्स को लगता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के पास करियर ऑप्शन कम होता है। दूसरा, अगर मैथ की बात करूँ तो मैथ में बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं। इंजीनियरिंग के अलावा भी वो बैंकिंग, रेलवे या दूसरे जनरल कंपटीशन में भी जा सकते हैं, साथ में आगे चलकर मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, और मैनेजमेंट के थ्रू वो अच्छा करियर ऑप्शन बना सकते हैं। इंजीनियरिंग तो एक अच्छा ऑप्शन है ही, बट वैसे छात्र जो मेडिकल या इंजीनियरिंग का सपना देखते हैं उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि आप अपने लाइफ में एक रेस्पेक्टेबल पोस्ट ले सकते हैं इसके माध्यम जी, से। रेस्पेक्टेबल पोस्ट मिलता है। अमूमन बिहार में, हिंदुस्तान में डॉक्टर की बात अगर की जाए तो इस पढ़ाई को सबसे महंगा कहा जाता है, काफ़ी फीस होती है। क्या सामान्य घर के बच्चे, गरीब घर के बच्चे भी डॉक्टरी कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। बहुत सारे स्टूडेंट्स और गार्जियन को ये लगता है कि शायद मेडिकल में पढ़ाना हमारे बच्चों को बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली पढ़ाई होती है। बट मैं आपके माध्यम से उन तमाम पेरेंट्स और उन सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि मेडिकल की पढ़ाई बहुत सस्ती है। एक तरफ बहुत महंगी, आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज में कॉस्टली होता है, बट दूसरी तरफ बहुत सस्ती है। आप ये समझ लें कि अगर स्टूडेंट टैलेंटेड है, अगर वो कंपटीशन निकाल कर अच्छे कॉलेज में जाता है,
तो कई कॉलेजेज का फीस, जिसकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एम्स जो कि पूरे इंडिया का टॉप मेडिकल कॉलेज है, उसका फी पूरे 5 साल का आप देखेंगे तो सिर्फ 6,000 फी लगता है। 6,000 में पूरा 5 ईयर्स का आप कोर्स फी आप दे सकते हैं और साथ में इंक्लूडिंग होस्टल। तो इतना कम फी तो आई थिंक कि किसी भी दूसरे स्ट्रीम में मिलना ही भी मुश्किल होगा। तो ये काफ़ी कम फी वाले पढ़ाई है मेडिकल, जिसमें लोग MBBS कर सकते हैं। दूसरे भी मेडिकल कॉलेजेस की अगर बात करें तो बिहार का किसी भी मेडिकल कॉलेज की अगर मैं बात करूं फ़ी का, तो 16,000 to 20,000 का जो फ़ी है वो ईयरली फ़ी है। तो इतना ऐसा फ़ी है जो कोई भी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर वैसे स्टूडेंट जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो आज के डेट में स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से इस फी को भी पे कर सकते हैं। एक सवाल ये भी बनता है सर कि जहाँ पे कम फीस है, जिन एम्स की बात आपने की, कई अन्य कंपटीशन ज़्यादा है, गोल्स लगातार 25 सालों से मेडिकल के दुनिया में बच्चों को आगे लेके आए, और यही कारण है कि गोल्स को रिजल्ट फैक्ट्री इंस्टीट्यूट कहा जाता है। तो क्या गोल ने बच्चों के लिए तैयारी इस बार कर रखी है? बिल्कुल, आज के डेट में बहुत सारे लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि गोल इंस्टीट्यूट एक रिजल्ट फैक्ट्री है, और ये बिल्कुल सच भी है, क्योंकि जिस तरह का रिजल्ट गोल पिछले 25 सालों से देते आ रहा है वो बिल्कुल ही रिमार्केबल है। और इसका रीज़न है कि हम लोग जो स्टूडेंट्स को यहाँ ट्रेनिंग देते हैं वो इस लेवल पर ट्रेनिंग देते हैं जो रिसेंट ट्रेंड ऑफ कॉम्पिटिशन पर बेस्ड हो, उसको उसी तरह की पढ़ाई दी जाती है जो कंपटीशन के लिए रिक्वायर्ड है, उस तरह का प्रैक्टिस दिया जाता है। तो हमारा जो स्टूडेंट्स का ट्रेनिंग देने का जो तरीका है वो है कि जो टीचिंग हम लोग देंगे दैट शुड बी बेस्ड ऑन द रिसेंट ट्रेंड ऑफ कंपटीशन। दूसरा, टेस्ट हम लोग इतना ज़्यादा लेते हैं कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा टेस्ट कंडक्ट करने के लिए गोल जाना जाता है, जिसके माध्यम से आज के डेट में स्टूडेंट के लिए जो स्पीड एंड एक्यूरेसी दो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कंपटीशन निकालने के लिए, उसके लिए स्टूडेंट्स खुद को तैयार करते हैं। साथ में पर्सनल केयर एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, खास करके 10th and 12th करके जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके अंदर मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता, राइट और रॉन्ग को डिफ्रेंशिएट करना उनके लिए मुश्किल होता है। ऐसे में यहाँ उन्हें सही तरीके से केयर अगर किया जाता है, प्रोफेशनल केयर के साथ पेरेंटल केयर भी यहाँ मिलता है, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स के छोटे छोटे और बड़े बड़े सारे प्रॉब्लम्स की जानकारी लेकर उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। तो यही रीज़न है कि पिछले कई सालों से हमारे जो रिजल्ट हैं वो रिजल्ट रेशियो में नंबर 1 गोल आ रहा है, और साथ में आप देखेंगे तो बिहार और झारखंड के जितने भी टॉप रैंकर्स हैं वो टॉप रैंकर्स आपको एक्सेप्शन छोड़कर बाकी सभी गोल स्टूडेंट गोल के इंस्टीट्यूट से ही दिखेंगे। और इसका एक बड़ा कारण है कि हम लोग उन स्टूडेंट्स को उस तरह से पढ़ाते हैं। एक और भी एक बड़ा कारण है कि आज के डेट में एक बहुत ही आइडियल कैंपस के रूप में गोल एजुकेशन विलेज का एस्टेब्लिशमेंट गोल ने किया है, जहाँ उस कैंपस में हर सुविधा जो स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए आइडियल तरीके से मिलता है, और कंप्लीट वो रेसिडेंशियल होने के कारण अच्छा माहौल के साथ साथ उनको लाइब्रेरी और पर्सनल केयर और साथ में जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं आज के डेट में नीट कंपटीशन और इंजीनियरिंग कंपटीशन के लिए, वो सारी चीज़ें उनको विद इन कैंपस मिल जाता है, जिसके कारण वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। साइंस पर हम बात कर रहे थे, मेडिकल सेक्टर को आपने काफ़ी अच्छे से डिराइव किया। गोल ने अपने 25 साल का जो अनुभव है मेडिकल में दिखाया, उसके बाद पिछले साल आप लोगों ने इंजीनियरिंग को लेकर जो IIT की तैयारी थी उसका पैकेज लॉन्च किया। बड़े संख्या में बच्चों ने गोल पर भरोसा जताते हुए JEE की तैयारी के लिए, इस बार क्या कुछ है JEE के बच्चों के लिए? क्या साइंस में एक बार फिर जहाँ मेडिकल में गोल ने परचम लहराया है, JEE के बच्चों को भी उसका फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल, एक्चुअली लास्ट 25 ईयर्स से जब इंस्टीट्यूट मेडिकल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को सफलता के शिखर तक पहुंचा रहा था, तो उस दौरान बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे मेडिकल में अच्छे रैंक के साथ यहाँ से निकले हैं, और कई छात्र
जिनके दूसरे भाई या फिर उन पेरेंट्स जिनके दूसरे बच्चे जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे, उन्हें ये फील हो रहा था कि हमें इनके लिए भी अगर गोल जैसा प्लेटफॉर्म मिलता तो इंजीनियरिंग में ये हमारे जैसा ही मेडिकल की तरह करते, जो उनके भाई या फिर बहन जो यहाँ से निकाले हैं उन्हें ऐसा फील होता था और उनके पेरेंट्स को ये फील होता था। तो बहुत सारे लोगों का एक डिमांड आ रहा था कि आप लोग को इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू करवाना चाहिए ताकि हमें जिस तरह से मेडिकल में अच्छी फैसिलिटी मिली उसी तरह से इंजीनियरिंग में अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो उन सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट के जो डिमांड था उसे ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इंजीनियरिंग विंग को स्टार्ट किया। सबसे पहले सेपरेट स्टडी मटेरियल हम लोगों ने तैयार किया, उसकी टीम तैयार हम लोगों ने किया टीचर से लेकर मैनेजमेंट तक, और गोल जी के रूप में एक नया बैनर लॉन्च किया कि उसकी सारी जो टीम है सेपरेट हो और पूरी तरह से अभी जो इंजीनियरिंग का रिसेंट ट्रेंड ऑफ कंपटीशन है उस पे आधारित वेल रिसर्च्ड स्टडी मटेरियल एंड टीचिंग पैटर्न हो। और उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया है, होपफुली लास्ट ईयर से हम लोगों ने गोल जी को लॉन्च किया है, होपफुली आने वाले जो साल है फर्स्ट जो हमारा बैच निकलेगा वो 2024 में निकलेगा। और हमें उम्मीद है कि जो फैसिलिटीज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को वो बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ यहाँ से निकलेंगे। जिस तरह से मेडिकल के स्टूडेंट्स आज के डेट में टॉपर्स बन रहे हैं उसी तरह से इंजीनियरिंग में भी हम लोग स्टूडेंट्स को टॉपर बनाकर यहाँ से निकालेंगे, ये उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो निश्चित तौर पर जो बच्चे 10वीं और 12वीं की परीक्षा देकर कंफ्यूजन में हैं उनके लिए आज फर्स्ट बिहार साइंस टॉपिक पर एक सवाल जो था वो गोल इंस्टीट्यूट जो कि परचम बिहार में लहरा रहा है उनके असिस्टेंट डायरेक्टर रंजय सर से सवाल लिए गए। और स्कोप साइंस में बहुत ज़्यादा है, जो बच्चे MBBS कम्पटीट नहीं कर पाते उनके लिए भी मेडिकल सेक्टर में पूरा एक जो माहौल है ना वो बना हुआ है और विभिन्न सेक्टर में बच्चे मेडिकल के बाद जा सकते हैं। वहीं साइंस में बच्चे अगर स्कोप इंजीनियरिंग में देख रहे हैं तो गोल ने उनके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार किया है गोल जी के साथ, जो पहला लॉट 2024 में निकलेगा। प्रदर्शन कैसा होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि 25 सालों में मेडिकल में गोल ने अपना लोहा पूरे बिहार में मनवाया है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।